ओके स्टूडेंट्स, वी आर अगेन एट द चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इन विच आई हैड एक्सप्लेन्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिकल डायमेंशनल फिजिकल इक्वेशन। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग जो यूज पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें हम लोग क्या पढ़े, कोई रिलेशन दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए सीखे थे। जैसे आपका था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बताए थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज ये क्या बताए थे, यूजेज ऑफ डायमेंशनल में, कि हम एक सिस्टम से कोई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू एक सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे सपोज आज हमारा है क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर। ओके, क्या है आपका चेंज करना है एक सिस्टम यूनिट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक ही सिस्टम में है जूल की सिस्टम में होता है, जूल इज द यूनिट ऑफ व्हाट वर्क डन। ओके, वर्क डन इन व्हाट एस आई यू। ओके, एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क डन इन सीजीएस यूनिट। ओके, सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम कहिए, यूनिट कहिए। तो हमको क्या करना है, जूल है कैसा में दिया हुआ है, एसआई यूनिट में। हमको इसमें किसको किस चीज में चेंज करना है, अर्ग में। अर्ग में हमारा क्या होता है, सीजीएस सिस्टम। तो है ना कि हमको एसआई वाला सिस्टम का जो यूनिट क्वांटिटी दिया हुआ है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ओके, समझ गए, एम समझ गए। वी हैव टू कन्वर्ट वर्क डन विच इज इन जूल, ओके, विच इज इन एसआई सिस्टम, इन इनटू सीजीएस यूनिट, एंड यूनिट ऑफ दिस वर्क डन इन सीजीएस यूनिट इज व्हाट आर ऑलरेडी वी हैव रिटन। ओके, तो हम देखें कि कैसे चेंज करते हैं, है ना। देखें तो यहां हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ व्हाट द क्वांटिटी विच इज गिवन। तो हमारा क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, दैट इज क्या दिया है, 1 जूल। 1 जूल मीन्स वर्कडन। तो वर्कडन का हमारा डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली दैट वाज एफ इंटू एस। एफ का हम लोग जानते हैं एम एल टी टू द पावर -2 एंड डिस्टेंस 1। ओके, देन फाइनली व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्कडन, एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 1 प्लस 1 एंड टी टू द पावर -2। ओके, इट मीन्स द डायमेंशन इज व्हाट, द डायमेंशन इज एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर -2। ओके ओके, देन से वी यूज सफिक्स 1 फॉर
सफिक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, वन यूज कर रहे हैं फॉर एसआई यूनिट, जो भी चीज गिव है, एंड टू सफिक्स टू इज बीइंग आई एम यूजिंग फॉर समिंग फॉर सीजीएस सिस्टम, है ना, सीजीएस। तो हम लोग क्या लिखें, इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, एम वन एल, एम वन एल वन कितना है, एम टी टू दी पावर टू एल टी टू दी पावर माइनस टू, ऐसे लिख दिए। ए वन 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 ए फर्स्ट सिस्टम हो गया, सेकंड सिस्टम को लिखे एम वन एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, इसमें टू टू सफिक्स जोड़िए, ठीक है, ऐसे लिखिए। और ये हमारा ऐसे लिखने के बाद ये तो आपका हो गया डायमेंशन, विच विल बी सेम इन बोथ द यूनिट सिस्टम, चाहे मेरे एसआई हो चाहे सीजीएस हो। सीजीएस के एसआई के लिए क्या लिख रहे हैं, वन एम वन एल वन टी टी वन यूज कर रहे हैं, यहाँ एम टू एल टू टी टू यूज कर रहे हैं। पावर हमारा क्या था, एम का पावर वन एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू, एम का पावर वन टी का एल का पावर टू और टी का पावर माइनस टू लिख दिए। तो ये तो हमारा डायमेंशन हो गया, अब हमारा वैल्यू क्या होगा, तो लेट अस से दिस न्यूमेरिकल वैल्यू टू बी वन एन वन एंड हेयर एन टू, ओके क्या लिखेंगे, एम वन एन वन और ऐसे लिख दिए, एन टू ऐसे लिख दिए। अब यहां हमारा गिवन क्या है, एन वन इज इक्वल टू कितना है, वन जूल, तो हमारा एन टू इक्वल टू हाउ मच आर्ग विल बी दिस मंथ, एन वन हमारा क्या है वन जूल, वन जूल को कन्वर्ट करना है तो एन टू सम आर्ग होगा, तो लेट अस से दिस इज दिस वैल्यू टू बी एन टू। तो यहां हम एन टू क्या है, द वैल्यू टू बी फाउंड आउट, जिस वैल्यू को निकालना है कि कितना होगा सीजीएस में, तो एन टू आपका वो हो गया, और एन वन क्या हो गया जो दिया हुआ है, कितना जूल, वन जूल, ओके। नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एन टू, एन टू इज व्हाट नाउ, एन वन डिवाइड ए एम वन, अब क्या है एक एक क्वांटिटी को एक जगह ले लीजिए, तो दिस एम वन बाई एम टू टू द पावर व्हाट वन, डिवाइड दिस एल वन एंड एल टू दिस वन इज पावर टू, पावर इज टू, डिवाइड कर दिया, एंड हेयर टी वन बाई टी टू टू दी पावर माइनस टू, ओके है ना, क्या किए, जो ये हम लिख लिए वन टर्म में डायमेंशन ऑफ वर्क डन, टू टर्म में सफिक्स टू यूज करके डायमेंशन, ए वैल्यू लिख लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और इवन न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड ए न्यूमेरिक एन टू इज व्हाट द न्यूमेरिकल वैल्यू टू बी फाउंड आउट, कितना आर्क कितना होगा, तो ए नाउ एन टू इज व्हाट एन वन एम वन बाई एम वन टू दी पावर वन एल वन टू दी पावर टू टी टू दी पावर माइनस टू, ओके। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, अब बन गया आपका, अब एकदम इजी है, तो हम देखें क्या करें, यहां एन टू इक्वल टू लिखते हैं, एन टू इक्वल टू व्हाट, एन टू इक्वल टू एन वन, एन वन का वैल्यू वन, और यहां आ जाइए एम वन, एम वन इज व्हाट दैट इज मास फॉर विच क्वांटिटी एस आई यूनिट, तो मास क्या होगा आपका वन के जी, एम वन विल बी इन के जी, एंड दिस एम टू इज व्हाट मास ऑफ सी जी एस यूनिट, देन मास विल बी व्हाट दैट विल बी वन ग्राम, ओके पावर इज व्हाट दैट इज वन। नाउ कम हेयर, हेयर एल वन इज द लेंथ एंड यूनिट इज फॉर व्हाट एस आई यूनिट,
then length, unit of length will be what? 1 meter. Okay, SI में क्या होगा? 1 meter. और ये आपका CBS है, इसमें क्या यूनिट होगा? 160. मतलब जो 111 है वो SI का है आपका, तो SI में मास का यूनिट 1 kg, लेंथ का यूनिट मीटर, यहाँ आपका मास का यूनिट 1 ग्राम, लेंथ का यूनिट 1 cm, एंड हैविंग पावर हाउ मच, पावर क्या है? 2 है. अब यहाँ आ जाइए T1. SI सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या होता है? यूनिट 1 सेकेंड. और CGS में भी क्या होता है? 1 सेकेंड. ओके, देन दिस इज व्हाट हैविंग पावर -2. ओके, यू आर गेटिंग. अब आइए, ये रख लिए. अब यहाँ आइए, ये आपका कितना हो गया? 1. नाउ कन्वर्ट द बिगर क्वांटिटी इनटू स्मॉल. नाउ 1 kg व्हाट? दैट इज 1000 ग्राम, एंड दिस इज 1 ग्राम. पावर इज व्हाट? दैट इज 1. हेयर 1 मीटर कन्वर्ट इनटू cm, 100 cm, एंड दिस इज 1 cm, एंड हेयर बोथ आर सेम, देन वैल्यू इज व्हाट? दैट इज 1. Second, and power is 2. Okay, then let us take here, gram is cancelled, then value is what? This value is 1000. Okay, power 1, this value is what? 100/1, that is 100. Power, here power is 2, here power is square, okay, and 1 to the power -2, that means 1. Okay, now put this value 1 into 1000 to the power 1, 1000, and 100 to the power 1 means 100 into 100, and this is 1. Okay, then now let us see 1000 into 100 into 100. Kitna ho gaya? आपका 10 to the power 7, 10 to the power 3, 10 to the power 2, 3 plus 2, r and again plus 2, तो ये आपका वैल्यू कितना हो गया? 10 to the power 3 plus 2 plus 2, that is 10 to the power 7, and unit is what? That is the r. It means what? Value is 10 to the power 7. 10 to the power 7, and 1 joule is finally equal to 10 to the power 7. Okay, we have converted, and this is the relation. Okay, कैसे convert करते हैं, सीख गए आप लोग?